तो मुझे दो जगह से अप्रोच हुई थी, बोर्ड को, एंटी करप्शन वालों को नहीं बता सका। पूरी कौम से माफी मांगना चाहता हूँ। गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने कौम से माफी मांग ली। मेरी इस गलती की वजह से मैं अपनी पूरी कौम से, पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि इस गलती की वजह से अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप माफ कर देंगे इंशाल्लाह। कजाफी स्टेडियम लाहौर में एंटी करप्शन यूनिट को जवाब जमा कराने के बाद मोहम्मद इरफान ने पीसीबी हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएसएल फिक्सिंग से मुतालिक इल्जामात को तस्लीम करते हुए कहा कि बुकियों ने उनसे राबता किया था जिसके बारे में वो क्रिकेट बोर्ड हुकाम को आगाह नहीं कर सके। धीमे मिजाज के दराजकद बॉलर का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग में फिक्सिंग करने पर उन्हें दो जगहों से ऑफर्स थी। दो मेरे ऊपर एलिगेशन थे तो उनका मैं आपको बता दूं कि मुझे दो जगह से अप्रोच हुई थी, जो कि मेरी गलती थी, मैंने बोर्ड को या एंटी करप्शन वालों को नहीं बता सका। इरफान का ये भी कहना था कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की और बुकियों को वाजे तौर पर शट अप कॉल दी। अपनी गलती जो है उसको तहे दिल से कबूल करता हूं। तो उसमें ये मैंने कहा कि जो मुझे रिपोर्ट हुई थी उसमें मैंने उनको शट अप कॉल दी थी और कोई इस तरह की करप्शन नहीं की। फास्ट बॉलर ने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि उनके अमल से किसी के दिल आजारी हुई तो वो उनसे माफी मांगते हैं, उम्मीद है कौम भी उन्हें माफ कर देगी। ब्यूटीफुल बॉलिंग फ्रॉम टॉल इरफान।